नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस MG हेक्टर बेस वेरिएंट के बारे में। और अगर आप MG हेक्टर का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो डीलर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट इसके वेरियंट से करते हैं। तो हेक्टर के अंदर टोटल आपको 6 वेरियंट देखने को मिल जाएंगे। ये जो है इसका बिल्कुल बेसिक वेरियंट है, स्टाइल जिसको बोलते हैं। और कलर ऑप्शन की बात करें तो अलग अलग जो है आपको टोटल 6 मोनोटोन ऑप्शंस मिलते हैं और एक ड्यूल टोन ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर आप ऑप्ट करेंगे इस बेसिक वेरिएंट को तो यहाँ पे सिर्फ 2 कलर ऑप्शंस ही आपको दिए गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं वाइट कलर, इसके अलावा आपको सिल्वर कलर देखने को मिलता है। तो अब इस वीडियो के अंदर इसके एक एक फीचर के बारे में जो है हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियोज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। तो शुरुआत की से करते हैं तो कुछ इस तरह की आपको मिलेगी। इधर की तरफ MG का लोगो, इस तरफ लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और साथ ही अगर आप इस अनलॉक बटन को प्रेस करके रखते हैं तो जो सभी विंडोज़ जो हैं वो रोल डाउन हो जाएंगी आपके लिए, जो है आपको अंदर से जो है उनको अप करना पड़ेगा। आप गाड़ी का फ्रंट लुक्स आप देखिए, और फ्रंट लुक्स देख के आपको लगा होगा कि ये हेक्टर जो है ये पुराने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ग्रिल जो है थोड़ी डिफरेंट आपको मिल रही है। लेकिन एक्चुअल में ये जो ग्रिल है आपको इस लोअर वेरिएंट के साथ कुछ इस तरह की मिलेगी, लेकिन जब आप इससे अपर किसी भी वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ पे वो जो डायमंड मैश ग्रिल आती है वो आपको देखने को मिलती है। अब इस गाड़ी को आप देखिए, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, प्राइस जो है वो काफ़ी अच्छा रखा गया है। लेकिन अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं ना, तो एक अच्छा खासा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। अगर आपकी ड्राइविंग कम है, आपको एक बड़ा साइज़ का जो है यहाँ पे एक गाड़ी चाहिए, तो आप इसको बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं आप इस गाड़ी को। तो इसके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले ओवरऑल अगर इसकी विड्थ की बात करूं तो 1835 mm जो है आपको इसकी ओवरऑल विड्थ देखने को मिल जाएगी। फ्रंट जब आप इसका देखते हैं तो कुछ इस तरह का ग्रिल आपको यहाँ पे ये दिया गया है। क्रोम का यूजेस आपको दिखाई देगा, ये क्रोम दिया गया है। ये जो ग्रिल है ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ है। लोअर और जो अपर पार्ट है यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट जो है आपको दिखाई देगा। सेंटर में एक बड़ा सा MG का लोगो आपको दिया गया है। उसके बाद ये जब पार्ट आप देखते हैं तो LED DRLs आपको यहाँ पे मिलते हैं, और साथ ही टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो ड्यूल फंक्शन आपको ये ऑफर कर दिया गया है। उसके बाद नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो हाउसिंग जो है ये भी कंप्लीट आपको क्रोम के साथ देखने को मिलती है। प्रोजेक्टर लाइट आपको यहाँ पे ऑफर की गई है, रेगुलर हलोजन प्रोजेक्टर लाइट आपको मिलती है। येलो कलर का थ्रो आने वाला है इसका, लो बीम हाई बीम के लिए सेम जो है ये यूज़ में रहने वाली है। फ्रंट चिन गार्ड जब आप देखेंगे तो ये कुछ इस ग्रे शॉर्ट ऑफ फिनिश के साथ आपको मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ एक ओपन स्पेस दे दिया गया है, तो यहाँ पे तो ओपन स्पेस भरपूर आपको मिलता है, तो एयर सर्कुलेशन काफ़ी बेहतर तरीके से होगा। इंजन हुड का डिज़ाइन जो है ये जो कर्व्स यहाँ पे दी गई हैं ओवरऑल गाड़ी के लुक्स को काफ़ी अच्छा बनाती है। और साइज़ तो इस गाड़ी का ओवरऑल काफ़ी अच्छा ही आपको मिलने वाला है। अब एक बार साइड से आप इस गाड़ी को देखिए तो जैसे आप जानते हैं कि एक कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की गाड़ी है, लेंथ अच्छी खासी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप इसके अपर वेरिएंट्स में जाते हैं तो सभी जगह लेंथ जो रखी गई है 4699 mm, यहाँ पे जो लेंथ आपको मिलेगी 4655 mm, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा क्योंकि सामने की तरफ कुछ क्रोम उनमें एक्स्ट्रा मिलता है, रियर में कुछ क्रोम एक्स्ट्रा मिलता है, इस वजह से थोड़ा सा लेंथ का डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा जो वैसे नेकेड आई से आपको फील नहीं होने वाला है। टायर साइज़ आप इसका देखेंगे तो टायर साइज़ भी आपको अच्छा दिया गया है, 17 inches के स्टील रिम्स मिलेंगे विद फुल व्हील कवर, और व्हील कवर का डिज़ाइन जो है ये भी अच्छा दिया गया है। 215/60 आपको जो है इसका टायर का प्रोफाइल मिल जाएगा, और सेम साइज़ प्रोफाइल का जो है आपको स्पेयर व्हील यहाँ पे देखने को मिलता है। बेस वेरिएंट से ही ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको स्टैंडर्ड दे दिए गए हैं। ऑल अराउंड ये स्कर्टिंग्स जो है ब्लैक कलर की ये दिखाई देगी, और इंडोर्स पे जो है ये सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मॉरिस गैराजेस जो है लिखा वो भी आपको दिखाई देने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है लगभग 192 mm के आसपास आपको मिल जाएगी। ORVM जब आप देखेंगे तो ये बॉडी कलर्ड आपको मिलते हैं, ये ब्लैक, इस बॉडी कलर्ड और ब्लैक कलर का यूजर्स दिखाई देगा। और अच्छी बात है कि ब्लिंकर्स आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे जो है ये ब्लिंकर्स आपको दिखाई देंगे। मैन्युअली आप इनको फोल्ड कर पाएंगे, और इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलता है। हैंडल्स जो हैं ये भी आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं। बी पिलर पर ब्लैक ट्रीटमेंट दिखाई देगी, ए पिलर बॉडी कलर्ड आपको दिया गया है, और क्वार्टर ग्लास का साइज़ भी अच्छा रखा गया है। रूफ रेल्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पे ऑफर की गई है। विंडो ग्लासेस का ओवरऑल साइज़ आपको अच्छा मिलने वाला है। 60 लीटर्स जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलने वाली है। अब रियर से आप इस गाड़ी को देखिए तो रियर लुक्स जो हैं गाड़ी के वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का एंटीना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन ये स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप, और रियर शील्ड पे वाइपर वॉशर डिफोगर जो है वो
दे दिया गया है। और थोड़ा नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो अपर वेरिएंट में जो है वो आपको यहाँ पे ब्लेड कनेक्टेड लाइट्स जो हैं वो दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पे जो है ये सेंटर पार्ट जो है इस ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ और क्रोम का यूजेस दिखाई देगा। और ये रेस्ट पार्ट आपको मिलता है, ब्रेक लाइट वो सब जो है रेगुलर बल्ब आपको दिया गया है, टर्न इंडिकेटर जो है वो LED आपको मिलने वाला है। तो ये ओवरऑल पैनल जो है ये अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा अलग आपको लगेगा, तो ओवरऑल पैनल जो है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। रियर से ये पार्ट जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बिस्किट प्लेट जो है अगेन ये थोड़ा ग्रे शॉट ऑफ फिनिश में दिखाई देंगी, क्रोम का यूजेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये पार्ट जो है ये लिट अप करता है, जैसे आप ओपन कर देंगे बूट तो वो लाइट्स ऊपर की तरफ चली जाएंगी, तो ये पार्ट लिट अप करेगा और बैक लाइट जो है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। रेस्ट ये जो पार्ट है ये सारा रिफ्लेक्टर आपको मिलता है, 4 सेंसर्स मिल जाएंगे जो रिवर्स पार्किंग में अगेन आपकी हेल्प करने वाले हैं। अब एक बार बूट को अनलॉक कर लेते हैं, बूट को अनलॉक कर दिया हमने की से और यहाँ पे मैग्नेटिक बटन भी आपको मिलता है। बूट स्पेस जब आप देखेंगे तो बूट स्पेस आपको अच्छा यहाँ पे दे दिया गया है, 563 लीटर्स के आसपास जो है आपको बूट स्पेस यहाँ पे दिया गया है। लोड लिप जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो कंफर्टेबली लगेज रख और उसको निकाल पाएंगे। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो कुछ एक स्पेस जो है वो यहाँ पे भी आपको ऑफर किया गया है, ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे बूट लैंप। और सीट्स को अगर फोल्ड करना चाहें तो 60-40 स्प्लिट फोल्डेबल रहने वाली है सीट्स को, आप इनको जो है फोल्ड कर सकते हैं। स्पेयर व्हील जो है वो नीचे की तरफ आपको मिलने वाला है, यहाँ पे जो है स्पेयर व्हील को माउंट किया गया है, हैंडल दिया गया है प्रॉपर, इसका यूज़ करके जो है आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब इसके रियर सीट पे ले चलता हूँ, सो जैसे ही डोर ट्रिम आप ओपन करेंगे तो ये ब्लैक डोर ट्रिम्स जो है आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। ये हार्ड प्लास्टिक है, ये जो पार्ट है ये सॉफ्ट टच दिया गया है। रियर पावर विंडो का कंट्रोल, ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट दिखाई देगी। यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा ये पोर्टल होल्डर। स्पीकर जो है आपको यहाँ पे 4 मिलेंगे, ट्विटर्स नहीं दिए गए हैं, 4 स्पीकर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और अभी जो है मैंने ड्राइवर सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी है, तो अंदर की तरफ एक बार स्पेस चेक कर लेते हैं। पहले सीट्स आप देख लीजिए, तो ये फैब्रिक सीट्स आपको मिलेंगी, इस ब्लैक और इस थोड़ा ब्लू शेड का यूज आपको दिखाई देगा। अंदर की तरफ जैसे ही आप बैठेंगे तो सीट्स जो हैं आपको वो कंफर्टेबल यहाँ पे फील होने वाली हैं, सीट्स कंफर्टेबल फील होंगी। ओवरऑल रिक्लाइन अच्छा है और अपने अकॉर्डिंग जो है इस रिक्लाइन को जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो सीट्स जो हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल आपको लगने वाली है। 3 हेडरेस्ट मिल जाएंगे, जो तीनों ही हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल रहेंगे। और तीनों पैसेंजर के लिए 3 सीट बेल्ट जो है वो भी दे दी गई है। सेंटर में एक आर्म रेस्ट है, ओवरऑल विड्थ काफ़ी अच्छी है, 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, फिट एंड फिनिश जो है वो भी अच्छी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे ये हैंडल विद हुक, ऊपर की तरफ आपको ये लाइट जो अगेन येलो कलर के साथ मिलती है। सामने वाले हेडरेस्ट जो हैं ये भी एडजस्टेबल आपको मिल जाएंगे। और इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो ये AC वेंट और नीचे की तरफ एक आपको मिल जाएगा 2 एम्पियर का USB A पोर्ट, तो इसको यूज़ कर सकते हैं चार्जिंग के लिए। और नीचे स्पेस दिया गया है, मोबाइल वगैरह आप रख पाएंगे। बिल्कुल फ्लैट फ्लोर जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे जो है आपको मिल जाएंगी दोनों के बैक में पॉकेट्स, और सीट बेल्ट जो है ये एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलने वाली है। अब मैं आपको इसकी ड्राइवर सीट पे जो है ले चलता हूँ और वहाँ पे एक बार देखते हैं क्या कुछ फीचर्स जो हैं आपको दिए गए हैं। जैसे ही डोर ट्रिम ओपन करेंगे तो यहाँ पे सेम फिनिश आपको दिखाई देगी, ये जो है हार्ड प्लास्टिक, ये जो है सॉफ्ट टच, और ये सिल्वर एसेंट्स आपको दे दिए गए हैं। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे। ड्राइवर विंडो जो है वन टच डाउन रहने वाली है, लॉक अनलॉक जो है आप यहाँ से कर पाएंगे। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो लाइट की हाइट एडजस्ट, और यहाँ से मिरर्स जो है इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। अच्छी बात है कि बेस वेरियंट से ही आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो 6 वे एडजस्टमेंट आपको दी गई है, तो यहाँ से मैनुअली आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। अब एक बार इंटीरियर्स चेक करते हैं। सो जब इंटीरियर्स आप देखते हैं तो इंटीरियर्स जो है आपको सिंगल टोन में ही दिखाई देंगे, कुछ एक जगह जो है आपको ये सिल्वर कलर के एसेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है हर जगह आपको दिखाई देगा ये हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पे ये कुछ एक पार्ट जो है सॉफ्ट टच रखा गया है, सिल्वर ये एसेंट जो है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद इसका स्टेयरिंग व्हील जब आप देखेंगे तो डी कट आपको दिया गया है, रेगुलर ये रखा गया है। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिलने वाला है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगा। सामने की तरफ कुछ इस तरह का क्लस्टर दिखाई देगा, RPM मीटर, उधर की तरफ स्पीडोमीटर, सेंटर में एक DIS है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको ये दिखाने वाला है। इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये इसका टच स्क्रीन
म्यूज़िक सिस्टम तो नहीं दिया गया है, लेकिन रेगुलर जो है आपको ये म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा। इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एफएम वगैरह आप प्ले करना चाहें वो प्ले कर सकते हैं। फोर स्पीकर्स जो हैं आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और इस पूरे पार्ट को अगर आप चेंज कराना चाहें या इस पार्ट को चेंज करा के आप दूसरा म्यूज़िक सिस्टम लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं। ये मैनुअल एसी के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ओवरऑल बटन्स की क्वालिटी जो है वो भी अच्छी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ से सारे कंट्रोल जो हैं वो आप कर पाएंगे। ये जो है ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए, हज़ार लाइट के कंट्रोल, कुछ एक स्पेस यहाँ पे, कुछ एक ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो है, दो सी टाइप और एक ऑक्स के लिए पोर्ट दिया गया है। बेसिक वेरिएंट है तो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आपको मिलेगा, सिक्स पिन मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक, टिप जो है अगेन क्रोम के साथ, ये आर्मरेस्ट जो लेदरेट फिनिश के साथ मिलता है, अंदर की तरफ कुछ एक स्टोरेज और साथ ही एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको दिखाई देगा। ग्लव बॉक्स का स्पेस जो है वो भी आपको ठीक ठाक यहाँ पे दे दिया गया है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो को ड्राइवर साइड या ड्राइवर साइड कहीं भी वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, ड्राइवर साइड सिर्फ एक टिकट होल्डर दिखाई देगा। और अच्छी बात है कि मैनुअल ये डे नाइट IRVM जो है आपको वो देखने को मिलता है, और ये लाइट जो है आपको येलो कलर के साथ यहाँ पे दी गई है। तो ये कुछ थे इसके इंटीरियर्स। आप बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइजेस के बारे में। सो आप बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं तो इस वेरिएंट के अंदर जो है आपको दो एयरबैग्स मिलेंगे, ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड। अपर वेरिएंट्स में जो है आपको सिक्स एयरबैग्स ऑफर किए गए हैं, ABS ब्रेक्स विद EBD, ESP फंक्शनैलिटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। बात इंजन की करें तो अगर आप सिर्फ हेक्टर के लिए आप जाएंगे तो सिर्फ वहाँ पे आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। अभी ये जो मेरे पास है यहाँ पे 1.5 लीटर्स का एक टर्बोचार्ज इंजन मिलता है जो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 143 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 250 न्यूटन मीटर्स का, और ट्रांसमिशन जो है सिर्फ मैनुअल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इस स्टाइल वेरिएंट के साथ डीजल ऑप्शन मिले तब आपको अपग्रेड करना पड़ेगा हेक्टर प्लस पे, तो मतलब वहाँ पे आपको 6 और 7 सीटिंग का ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे डीजल इंजन आप ऑप्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 2.0 लीटर्स का डीजल इंजन मिलेगा जो मैक्सिमम आउटपुट निकाल के देगा 170 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 350 न्यूटन मीटर्स का। ट्रांसमिशन जो है वहाँ पे भी आपको मैनुअल देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड वारंटी जो आपको मिलती है 3 ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की। आप इसको फर्दर एक्सटेंड कराना चाहें तो फर्दर भी एक्सटेंड करा सकते हैं। अब बात करते हैं मेन इसके प्राइजेस की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोल के साथ सिर्फ हेक्टर आपको मिलेगी, तो अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो एक शोरूम प्राइस रहेगा 13,99,800 रुपीज़। और अगर आप चले जाएंगे हेक्टर प्लस जहाँ पे 6 और 7 सीटिंग का ऑप्शन मिलता है और डीजल इंजन देखने को मिलेगा, आप 6 ऑप्ट कीजिए या 7 ऑप्ट कीजिए तो एक शोरूम प्राइस रहेगा 17,49,800 रुपीज़। और जो प्राइजेस मैंने आपको बताए सभी एक शोरूम प्राइजेस हैं, रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस MG हेक्टर बेस वेरिएंट पे। आपको ये वेरिएंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।